मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं लुधियाना हेड ऑफिस। आज हम लोग टोटल यहाँ बस में बैठे हुए हैं, टोटल 150 प्लस लोग। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए, आगे अभी हम लोग देखेंगे कितने लोग अभी जा रहे हैं। सबसे आप लोगों को परिचय, हम लोग सभी झारखंड से आए हुए पंजाब, इतने दूर करीबन 2000 किलोमीटर। चलिए संखाई जी से जानते हैं, हमारे चाईबासा झारखंड के हैं। तो संखाई जी बताइए अपना एक्सपीरियंस। सभी दोस्तों को मेरे तरफ से जय जय किवा, और बहुत एक्साइटेड है हम लोग आज किवा हेड ऑफिस का विजिट करने जा रहे हैं। हम लोग देखना चाहते थे बहुत दिन से कि किस तरह से हम लोग जो प्रोडक्ट यूज करते हैं या यूज करने के लिए हम लोग जो देते हैं कितना क्वालिटीदार बनता है, किस तरह का हम लोग का हेड ऑफिस कितना बड़ा है। तो एक्साइटेड है हम लोग, जय जय किवा। हमारे एक यहाँ के जमशेदपुर के टॉप मोस्ट लीडर भी यहाँ बैठे हुए हैं, मिस्टर अनिमेश कुमार महतो। चलिए इनसे भी जानते हैं इनका एक्सपीरियंस। गुड मॉर्निंग ऑल, आज हम लोग किवा इंडस्ट्री का हमारे पीछे प्लांट देखने के लिए जा रहे हैं हेड ऑफिस। हम लोग लुधियाना आए हैं, आज विजिट करेंगे एक एक प्रोडक्ट कैसे बनता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्या क्या चीज़ को लेकर बनाता है, वो सब चीज़ को लेकर आज हम लोग जानने जा रहे हैं। जमशेदपुर से करीबन 150 जन आज जा रहे हैं घूमने के लिए। तो अगला बार आप लोग भी आइए, सब देखिए एक बार, और अच्छा से काम कीजिए और अपना इनकम को ग्रोथ कीजिए। एक टारगेट बनाइए कि अगला साल कम से कम नहीं तो महीना का 2-2.5 लाख रुपये इनकम करके सर को अपना विजिट कीजिए। आपके लिए क्या क्या हेल्प काम करता है, कौन पेमेंट भेजता है, कौन आपका बोनस देखता है, कौन आपके लिए मैसेज भेजता है, कौन पोस्टर बनाता है, तो सारा चीज़ आप लोग को बताया जाएगा। कि एक एक लोग से मिलाया जाएगा, आप लोग सबसे मिल के उसका नंबर भी पर्सनली रख सकते हैं। कभी भी कुछ भी दिक्कत होगा तो उनसे आप कभी भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। जय जय किवा, जय जय किवा, घर घर किवा, नगर नगर किवा, हर घर में किवा, सबके बैंक अकाउंट में किवा, सबका जुबान में किवा, सबका रग रग में किवा। जय जय किवा, जय जय किवा। आप लोग का हाथ है? नहीं, हाथ है उठाइए, हाथ है उठाइए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए। जय जय किवा, जय जय किवा, ऐसे ही आप लोग बोलिएगा वहाँ जाके। हाँ, पता चलना चाहिए ना जमशेदपुर से आए हैं, जोर से बोलिए जय जय किवा, जय जय किवा। चलिए, हाइपो इंडस्ट्रीज का हॉल है जो काफ़ी शानदार लग्जूरियस है। हमारे सर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे सर, हमारे मैम, हमारे संखाई सर बैठे हुए हैं, बाकी यहाँ पे सभी लीडर्स लोग हैं। या जहाँ पे आपके ऑर्डर प्रोसेस होते हैं, जो भी आप ऑर्डर लगाते हैं ऑनलाइन, जो पेमेंट आप कंपनी के अकाउंट में करते हैं, यहीं से कंफर्म होता है। यहाँ अजय बैठते हैं, योगेंद्र बैठते हैं, विजय झा, प्रदीप और रमन भाटिया, और ये पूरे जो डिपार्टमेंट है ये बिलिंग टीम है। इनके मोबाइल नंबर अवेलेबल हैं, आपको कभी भी इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट होती है इनको कॉल करिए। पेमेंट करते हैं कंपनी के अकाउंट में, डिटेल शेयर करिए अकाउंट अपने, ऑर्डर लगाने के बाद एडमिन नंबर शेयर करिए, यहाँ से साथ के साथ आपका ऑर्डर प्रोसेस होगा। जितनी जल्दी पेमेंट कंफर्म होगी उतना जल्दी आपका ऑर्डर जो है वो कंफर्म होगा। दोपहर 12 बजे से पहले जो आप ऑर्डर लगाते हैं, अगर दोपहर 12 बजे से पहले आपका बिल तैयार हो जाता है तो सेम डे प्रायोरिटी होती है कि सेम डे हमने मटेरियल को डिस्पैच करवाना है। अगर दोपहर 12 बजे के बाद इनवॉइस जनरेट होता है तो फिर वो नेक्स्ट डे आपका जो है मटेरियल वो डिस्पैच होता है। टीम से हमारी यहाँ भी हमारी तीन टीमें हैं, एक आपके पीछे हमारी डिजिटल मार्केटिंग की टीम है, मोहित तो मोहित जी हैं और उनकी पूरी टीम है। डिजिटल मार्केटिंग का काम ये होता है, जैसे आप सोशल मीडिया, हमारे जितने भी पेजेस हैं, एक दिल से केवा और केवा इंडस्ट्रीज के नाम से दो फेसबुक पेजेस हैं, उसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, हमारे जितने न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं या बिजनेस से डेवलपमेंट से रिलेटेड, मीटिंग से रिलेटेड आपकी फोटोज अपडेट होती हैं, वो सारा काम डिजिटल मार्केटिंग का होता है। आता है मोबाइल नंबर, सबसे पहले यहीं पे आता है
जिसमें करण चौधरी जी लैब इंचार्ज हैं, जो प्रोडक्ट को लेके जाते हैं लैब टेस्ट के लिए, क्वालिटी चेक के लिए। क्वालिटी लैब टेस्ट अप्रूवल के बाद फिर मशीनरी को महंगा शिफ्ट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग जब आपका बिल बन गया, बिल रेडी हो गया, पैकिंग हो गई, अब देखें ऐसे पैकिंग सारी फुल है, यही शाम को खर्च लगेगा। फिर सभी के साथ आप ऑनलाइन कर देंगे, वीडियो बना सकते हैं आप, लाइव हो रहे हैं, लाइव हो रही है, उसके लिए कोई हो, ठीक है। बाय। तो ये हम लोग का कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और प्लस गोडाउन है। तो यहाँ पे पूरा गोडाउन हम लोग का स्टोर होता है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पर्सन अवेलेबल रहते हैं, बारकोड मशीन पड़ी है, बारकोड से हर एक बॉक्स की स्कैनिंग होती है, ताकि हमारे पास ऑटोमेटिकली सिस्टम में अपडेट हो जाता है बारकोड के थ्रू कि कौन सा मटेरियल है, एक्सपायरी डेट कितना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कितना, कितनी क्वांटिटी में हमारे पास आया है। उसके बाद फिर उसको लाइन बाय शिफ्ट करते हैं। आगे जाएंगे आप तो देखेंगे जो टैबलेट्स के बोर्ड लगे होंगे तो टैबलेट्स का आइटम होगा, कैप्सूल का होगा तो कैप्सूल का, पाउडर फॉर्म में प्रोडक्ट्स के होंगे तो पाउडर फॉर्म के, उस अकॉर्डिंग शिफ्ट हम इसलिए करते हैं ताकि पैकिंग डिपार्टमेंट को हमारे प्रॉब्लम ना आए मटेरियल को पिक करने में, ठीक है। तो ऐसे ही विजिट करते हुए तो आगे जब मटेरियल इन्वेंट्री में आया, बारकोड स्कैनिंग हुई और हमने उसको एंट्री कर लिया। अब जब यहाँ से पैकिंग के लिए आपके बॉक्सेस जाएंगे तब भी हर एक बॉक्सेस की स्कैनिंग होगी ताकि हमारे पास अपडेट रहे कि कितना मटेरियल हमारे पास आ रहा है और कितना मटेरियल हमारे पास डेली बेसिस पे बाहर जा रहा है। फिर यहाँ से आपके बॉक्सेस जाते हैं, वहाँ पैकिंग होती है और वहाँ पे आप देखेंगे ओपन प्रोडक्ट्स आप देखेंगे। तो कोविड से पहले जो हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो पुराने होंगे पर्सन उनको पता होगा कि कोविड से पहले जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर था वो डायरेक्ट ऑर्डर कंपनी में नहीं लगा पाता, बट कोविड में सर ने डिसीजन लिया क्योंकि बाहर जाना नहीं हो पाता था, गैदरिंग नहीं कर पाते थे, मीटिंग नहीं कर पाते थे, तो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट सबको होती थी, तो फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर भी डायरेक्ट कंपनी में ऑर्डर लगाने लग गया। और उसी के लिए हमने कुछ ओपन प्रोडक्ट्स रखे हैं, हम आगे जाएंगे प्रोडक्ट देखिए फिर उसके बाद फाइनल पैकिंग में आपको दिखाऊंगा। आगे अच्छा, लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं जैसे जितना भी कीवा का प्रोडक्ट ऑर्डर होता है तो यहीं से डिस्पैच होता है, जितने भी प्रोडक्ट्स है। Thank you.
आपके बिल देख के जो भी आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हुए हैं बिल देख के मैनुअली भी उसमें मेंशन करना है उसमें रजिस्टर में और फिर बॉक्स पैक किया अब यहाँ पे है फाइनल प्रोडक्ट टेपिंग ऑलरेडी हो चुकी है अब उससे लगेगा आपके ऑर्डर नाम जहाँ आप खड़े हैं यह है हमारा R&D प्लांट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लांट तो यहाँ पे हम सिर्फ प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए मटेरियल तैयार करते हैं जो है हमारे टैबलेट फॉर्म में जो प्रोडक्ट होते हैं कैप्सूल में जो होते हैं लिक्विड आइटम्स में जो हमारे होते हैं चाहे वो सिरप हो गया जूसेस हो गया ड्रॉप्स हो गया और उसके अलावा पाउडर फॉर्म में जो प्रोडक्ट होते हैं वो हम सिर्फ यहाँ पे टेस्ट करने के लिए तैयार करते हैं। जहाँ अभी आप खड़े हैं ये हमारे जो लिक्विड आइटम्स होते हैं वो तैयार होते हैं आप खुशबू से उसकी आपको पता लग गया होगा तो यहाँ लिक्विड आइटम आगे जाएंगे हम तो पहला कमरा जो मिलेगा वो हम हर्ब्स को मिक्स करते हैं उसके बाद कैप्सूल का कमरा देन उसके बाद टैबलेट का आगे में जाएंगे तो पाउडर फॉर्म में जो प्रोडक्ट होते हैं उसका तो हरेक रूम के अपने टेम्परेचर मेंटेन किए हुए हैं अंदर जाना है हमने रेडियो बनानी है वीडियो बना आपने देखा होगा सभी प्रोडक्ट में सेल्फ लाइफ दी हुई है 2 या 3 साल के लिए 12 मंथ के लिए तो उस टाइम पीरियड में हमारा प्रोडक्ट सर्वाइव करेगा नहीं करेगा इसलिए हम वो माइक्रोबायल टेस्टिंग करेंगे। जहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि वेट बैलेंस हो गया आपके पास जो टैबलेट आती है 400 mg की आती है 800 mg की आती है 1250 mg की आती है वो सभी का इंडिविजुअल वेट चेक करेंगे। TLC डेवलपमेंट इंडिया क्रोमेटोग्राफी आपने देखा होगा सभी प्रोडक्ट में आयुष मंत्रालय का लोगो लगा हुआ है जो इंडिकेट करता है आयुर्वेदा को तो उस फार्माकोपी के हिसाब से जो हमने मेथड दिया हुआ TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी उसमें सभी प्रोडक्ट की मतलब की टेस्टिंग करेंगे एश्वगंधा या शिलाजा है। अगर बाई चांस एक भी इंग्रेडिएंट मिस हो जाता है क्वालिटी डाउन हो जाएगी तो पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिल पाऊंगा। इसके अलावा जो कैल्शियम KMD है जिसमें 80 मिनरल्स है CTM में 72 मिनरल्स है कैल्शियम मैग्नीशियम या अमीनो एसिड जो भी जो दूसरे मिनरल्स है उसके हम टेस्टिंग करेंगे टाइट्रेशन मेथड से। एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है ओवन जिसमें हम मतलब सभी प्रोडक्ट की मॉइस्चर लेवल चेक करते हैं। आपने देखा होगा इंडिया में जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 40-50 तक चला जाता है सर तो मिनिमम 0°C चल सकता है। इसमें हमारा प्रोडक्ट जम भी सकता है मतलब सेपरेट भी हो सकता है गर्म भी हो सकता है या उसमें कुछ दूसरे चेंजेस आ सकते हैं तो उससे को हम मतलब कि इवेल्यूएट करते हैं ओवन से ठीक है जिसका टेम्परेचर 105°C है। अगर फॉर एग्जाम्पल टैबलेट की बात करते हैं जिसका मॉइस्चर लेवल 5 से लेकर 7 बजे 7-5 के बीच में होना चाहिए।
अगर 5% से नीचे चला जाएगा क्या होगा, टैबलेट आपकी क्रैक हो जाएगी, पाउडर बन जाएगी आपकी, ठीक है। अगर आप 8% से अब चला जाएगा क्या होगा, आपकी टैबलेट गिली हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा, बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाएगी, तो खाने लायक नहीं रहेगी, ठीक है। एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है मोफोफ्रांस, जिसमें हम प्रोडक्ट की एश वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोगों होते हैं जिनको लिवर स्टोन, किडनी स्टोन जैसे इंडिकेशन आते हैं, तो उनको पता नहीं होता हमारे हमारे बॉडी में ये पथरी या जो लीवर में होती है किडनी में क्यों होती है, क्योंकि ऐसी चीजें वो ऐसी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट यूज खा लेते हैं जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, ठीक है। जो हमारी जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट है जिनका जो प्योर आयुर्वेदा है नेचुरल फॉर्म में है, जिनके एश वैल्यू 1% है, वो इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। मैक्सिमम लोगों के पास एक कंप्लेंट्स आती है कि उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता, ठीक है। आपने ये देखना है कि उनकी बीमारी कितने तक पुरानी है, ठीक है। अगर एक हफ्ते से है सिंगल डोज में रिजल्ट मिल जाएगा, अगर किसी को 6 महीने से है तो उनको 1 महीने का डोज देना पड़ेगा, अगर किसी को 1 साल से है आपने उनका पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट, क्या क्या मेडिसिन उन्होंने कंज्यूम किया, क्या क्या ऑपरेशन करवाए हैं, ठीक है, और क्या उन्होंने थेरेपी यूज की है, आज की डेट में क्या मेडिसिन खा रहे हैं, वो सब कुछ करने के बाद आपने उनको अपना स्टार्टिंग में यूज रिकमेंड करना है, जस्ट देखने के लिए कि उनको कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे प्रोडक्ट नेचुरल है, पर हमें ये नहीं पता कि जो दूसरे वो अंग्रेजी दवा खा रहे हैं वो कितने अब केमिकल बेस है जो उनको साइड इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ना मतलब कि वेट लॉस का काफ़ी इशू होता है, ठीक है। वहाँ पर आपने ये देखना है कि जब जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आजकल जो 50-60-70 साल के बंदे को भी मतलब कि जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, या कई बार 25-23 या उनको भी होती है, वहाँ पर ये देखना है कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, मतलब कि उनका वेट कितना, अगर वेट ज़्यादा होगा क्या होगा, घुटनों पर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो वहां पर आपने क्या करना है, वेट लॉस के सप्लीमेंट देने, जिसमें आपका होगा मील रिप्लेसमेंट पाउडर पानी के साथ, ठीक है, डिनर स्किप करवा के, इससे होगा वेट कम होगा, वेट कम होगा जो जॉइंट्स पर जो घुटने पर वजन कम पड़ेगा, जिससे उनका वेट उसके सारा एंटी पेन वाले। दूसरा केस ये होगा कि वेट कम है फिर भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम आ रही है, वहां पर उनके घुटनों में कैल्शियम की कमी है, वहां पर क्या जाएगा आपका ऑर्थो के जूस, ऑर्थो के कैप्सूल एंड जो भी मल्टीविटामिन आप ऐड कर सकते हो। अगर कईयों को पेन की प्रॉब्लम आती है वहां पर आपने क्या करना है, मल्टीविटामिन ऐड करना है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो पेन किलर का इंजेक्शन लगाते हैं वो B12 का होता है, ठीक है। आपने जो भी मेडिसिन देनी है उसके साथ आपने मल्टीविटामिन ऐड करना ही करता है, ठीक है। रही बात अगर आपके पास कोई केस आता है कैंसर के रिलेटेड, फर्स्ट स्टेज पर ही आप काम कर सकते हो, आपने उनकी रिपोर्ट वेरीफाई करनी है, देखना है कि स्टेज 1 है या स्टेज 2 है। स्टेज 1 पर ही आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपका हिली स्प्रे हो गया, कुर्पिन कैप्सूल हो गया, सिल्वर प्लस हो गया, अगर ब्रेन का कैंसर है ब्रेन के सप्लीमेंट ऐड होंगे, अगर लीवर का कैंसर है लीवर के सप्लीमेंट ऐड होंगे। सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज पर आप कुछ नहीं कर सकते, वहां पर क्या होगा जो कैंसर के वायरस है खून में मिल चुके होंगे, तो उनको अलग करना किसी भी मेडिसिन में आज तक कुछ हुआ नहीं, उसको सीधा ही आप हॉस्पिटलाइज रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर रही बात कि आज के टाइम में डायबिटीज के काफी सप्लीमेंट पेशेंट है, आज रोज मतलब कि 10 साल 2 साल 5-6 साल से मेडिसिन खा रहे हैं टेम्परेरी, जब तक वो अंग्रेजी दवाई खा रहे तब तक उनका रिजल्ट मिलता रहेगा, जब उन्होंने बंद कर दी तो उनका एकदम से डायबिटीज फिर से बढ़ जाएगा, तो वहां पर आपने उनको देना है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऐसी चीज है जो डायबिटीज पर डायरेक्ट असर करती है, अगर आप किसी उनको कैल्शियम मैग्नीशियम दी थी या कोई भी ड्रॉप आप उनको रिकमेंड कर दो, उनका जो डायबिटीज लेवल 50 से कम हो जाएगा। अगर किसी को 10 साल से प्रॉब्लम आ रही है, 5 साल से मेडिसिन कंटिन्यू खा रहा है, तो वहां पर आपने जिंक प्लस, जिंक नेमा कैप्सूल, नीम हल्दी कैप्सूल आपने ऐड करें। आपने ये देखना है कि उनकी बीमारी कितने टाइम पुरानी है, तो और उस टाइम उन्होंने कौन कौन सी मेडिसिन और कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। यही बात जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वहां पर आपने मेडिसिन विस्कोफाइल ड्रॉप दे देनी है, अगर जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम आ रही है, बवासीर कब्ज की प्रॉब्लम आ रही है, वहां पर आपने क्लीन सप्ले दे देनी है, ठीक है। जो भी चीज आपने किसी का ट्रीटमेंट करना है आपने उनके कंडीशन देखने है कि उनको प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या आ रही है, तो आज की डेट में क्या प्रोडक्ट वो कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है जो भी आप सप्लीमेंट दोगे उनके साथ आपने अंग्रेजी दवा एकदम से बंद नहीं करवानी है, क्योंकि ऐसा होगा ऑलरेडी दवाई खा रहे, अगर आपने एकदम से बंद किया उनको चक्कर भी आ सकते हैं, तो आपने उनको जो भी मेडिसिन कर उनको करने दो, उसके साथ पहले अपना स्टार्टिंग में यूज करवाओ, सब कुछ नॉर्मल है, 1 महीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके आपने दूसरे सप्लीमेंट ऐड कराओ, उसके बाद फिर फॉलो करो, अगर सब कुछ मेंटेन हो रहा है तो उसके बाद आपने क्या करना है अंग्रेजी दवा का जो डोज है कम करना, मतलब कि एक दिन छोड़ के हमारा कंटिन्यू, जस्ट ये देखने के लिए कि उनको कोई साइड इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, रिजल्ट मेंटेन है या नहीं। अगर सब कुछ ओके है तो नेक्स्ट मंथ के लिए 2 दिन छोड़ के करना है, तो थर्ड मंथ में आपने उनका अंग्रेजी दवाई बंद करा के हमारा कंटिन्यू चलेगा, ठीक है।
एक केस और आता है कि जहाँ पर जिनकी एज 50 साल से ऊपर चली जाती है वहाँ पर आप उनको टैबलेट कैप से कम ही आप रिकमेंड करो, क्योंकि उस टाइम उनकी जो बॉडी में जो लिवर किडनी होते हैं वो वीक होते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट आप उनको दोगे उसका ही साइड इफेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ध्यान नहीं, इस तरफ से वहाँ पर आपने क्या करना है, वहाँ पर आपने उनको जूस या लिक्विड ही रिकमेंड करना है, क्योंकि क्या होगा कोई भी आप टैबलेट कैप्सूल दोगे अगर उनके लीवर किडनी कमजोर होगी क्या होगा साइड इफेक्ट हो जाएगा, तो आपने ये चीजें नहीं देनी है, ठीक है। अगर बाय चांस आपको कोई ऐसा इशू आता है किसी के रिगार्डिंग कि आप किसी को क्या प्रोडक्ट रिकमेंड करना है उनको क्या सिम्टम्स है, अगर आपको समझ आप हमारे CSC डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं, उनको अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, वो आपको रिकमेंड कर देंगे आपने एक्चुअली में क्या देना। यहाँ की रिपोर्ट चेक होने के बाद दूसरी भी हमारी लेबोरेटरी है जो कि NABA अप्रूव लैब है, वहाँ की रिपोर्ट यहाँ की रिपोर्ट पूरा चेक होने के बाद ही आगे पैन इंडिया में जाएगी, नहीं तो पूरा रिजेक्ट करेंगे, ठीक है सर। थैंक यू। अभी नहीं बुलवाएंगे जैसे कि वह
बिलासपुर में बवाल सुंदरिया के सिंगार देख के सुंदरिया के सिंगार बुढ़वा जवान हो गए
देवराज का नजराना।